बागली प्रेस क्लब अंचल के संरक्षक ठाकुर सिंह तंवर, विनय बोथरा, प्रवीण चौधरी की उपस्थिति में शनिवार के दिन बागली प्रेस क्लब अंचल की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी के सहमति से निर्विरोध गगन शिवहरे बागली को प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती का पूजन और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में बागली अंचल के सभी पत्रकार शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर सभी ने पत्रकारिता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। नई कार्यकारिणी के निर्वाचन के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें बागली जनपद CEO अमित कुमार व्यास और फॉरेस्ट SDO अमित सोलंकी शामिल हुए और पत्रकारों से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद किया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मैं ऐसा कभी भी नहीं लगा कि पत्रकार या अधिकारी अलग अलग हैं। हमेशा मुझे सभी लोगों से काफ़ी सहयोग मिला है। खासतौर पे जो आपके पूर्व अध्यक्ष नाथू सिंह जी से मुझे काफ़ी सहयोग मिला है, काफ़ी सीखने मिला। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब मुझे कई बार परेशानी आती थी या मुझे कुछ जानना होता था, तो जो बात आप शिवाजी जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि हर जगह प्रशासन नहीं हो सकता, तो हमको कई प्रकार की सूचनाएं और कई प्रकार की जानकारियां आप लोगों के माध्यम से और नाथू सिंह दादाजी के माध्यम से मिला। मैं भी इनको सैनो जी और नाथू दादाजी बोलता हूँ। प्रेस क्लब अंचल की एक वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बागली प्रेस क्लब अंचल के पदाधिकारियों के घोषणा की गई। आज बागली प्रेस क्लब अध्यक्ष के रूप में गगन जी शिवहरे को नियुक्त किया गया और इस समिति में करीब 34 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं कई विषय को लेकर पत्रकार बंधुओं के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।